तब्दील हो और खुदा तेरे यस्सु सीनासी नाम को इज्जत और जलाल मिले, इसी यस्सु के नाम से मांगते और चाहते हैं। सबसे पहले खुदावंद यस्सु सीनासी में मेरे तमाम बुजुर्गों को, मेरे तमाम खुदा के खादम लोगों को और मेरी तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम और तमाम बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। सलाम के बाद मैं दिलो जान से खुदावंद यस्सु सीनासी का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ये फिर मौका दिया कि मैं वर्ड ऑफ गॉड खुदा का पाक कलाम खुदा के मुंह की बातें अपने तो लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि मेरे लोग इस रूहानी खुराक से सेहत और आसूदा होकर बरकत पाए। और मैं तमाम खादमीन का और पूरी क्लीसिया का दिलो जान से मशहूर हूँ और जनाब मोहतरम पास्टर शजा साहब का खासकर मशहूर हूँ, क्योंकि जो मुझे बार बार ये मौका देते हैं कि मैं खुदा का पाक कलाम बचा सकूं। प्लीज गॉड। तो मेरे अजीजो, आज का कलाम जो है बड़े गौर से सुनिए, ताकि जब आप गौर से सुनेंगे तो खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। मेरे अजीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, जिस तरह बदन रूह के बगैर मुर्दा है, उसी तरह ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। जी, जिस तरह बदन रूह के बगैर मुर्दा है, उसी तरह ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। मिसाल के तौर पर एक बहुत मोटा ताजा आदमी है और उसके नथरों में जिंदगी का दम नहीं है तो वो मुर्दा है। इसी तरह अगर हमारा ईमान बहुत ज्यादा है लेकिन हमारा ईमान कुछ नहीं है तो वो भी कुछ नहीं है, वो भी क्या है, मुर्दा ही है। तो आज मेरे शीशो, आज मेरे शीशो, हम खुदावंद के सिद्धा और मुकद्दस शिलालिप पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आपने नहीं पढ़ना, मैं ही पढ़ूं, लेकिन निकालें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14 बाद और उसकी 21 आए। खुदावंद के सिद्धा और मुकद्दस शिलालिप पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14 बाद और उसकी 21 आयत। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। प्रेज़ गॉड। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सब के लिए बाइसेबल का ठहरे। अरे रुकी, फिर सुनिए एक मरतबा, मैं दूसरी मरतबा इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप खुदा के पात्रों को अपने दिल में आने के लिए जगह दें। खुदावंद यस्सु सीनासी ने फरमाया, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा। प्रेज गॉड। मेरे अजीजो, आज खुदावंद यस्सु सीनासी हमें क्या फरमा रहे हैं, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। खुदावंद यस्सु सीनासी हम पर अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं। कैसे जाहिर करना चाहते हैं कोई बता सकता है? प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत। आज मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो मजमून है वो रूह कुदस है। वो क्या है? रूह कुदस है। हम रूह कुदस को, खुदावंद यस्सु सीनासी हमें अपना रूह कुदस देना
चाहते नूर कुदस हासिल करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। मेरे शिशो, आज कोई बता सकता है मेरा भाई मेरी बहन कि मैं रूह कुदस के क्या फायदे हैं? अगर मैं भी रूह कुदस मिलेगा तो हम इस दुनिया फानी से चले जाएंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है? प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, एंड साहब गॉड ब्लेस यू, सब लोग गॉड ब्लेस यू। हम अगर खुदा के रूह कुदस को हासिल नहीं करते तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। प्रेज गॉड, हम क्या कर सकते हैं? खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अजीजो, आज बड़ी और तलब बात है, बहुत मसीही है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम रूह कुदस को हासिल नहीं करेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। प्रेज गॉड, मैं एक वाला पढ़ना चाहूंगा, सबसे मेन पॉइंट ये है भाई, इश्ताक के हवाला में खुदावंत के जिंदा और मुकद्दस चिराली पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से 6 आयत का, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की बात पत्रिकी के इंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से 6 आयत का। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दूसरा वाला बात थोड़ा सा आगे करें, क्या सवाल किया निकोदिमस ने कि खुदावंत यीशु मसीह से जवाब दिया, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। पहला पॉइंट क्या है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, उसकी आंखें बिल्कुल बंद है। मेरे अजीजों, खुदा का पाकलाम बता रहा है, खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा, उसकी क्या है? आंखें बंद है, जो बपतिस्मा नहीं लेता, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, जो मसीह पर ईमान नहीं लाता। मेरे अजीजों, जब मैं नया सऊदी अरब में आया तो मुझे नहीं पता था कि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे हम ईमान में नहीं आएंगे। तो मेरे पास तो साहब थे इंडिया के, खुदा उनको ब्लेस करे, बरकत दे, तो उन्होंने मुझे बोला, बेटे आप ईमान में आए हैं? मैंने कहा, जी ईमान में तो आए हैं, मसीह को कबूल करते हैं, मसीह को बड़ा निजात दहिंदा है। कहते हैं कैसे? मैंने कहा, जी हम बहुत टाइम से मेरे खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं। कहते हैं, नहीं बेटे आपने बपतिस्मा लिया? मैंने कहा, जी नहीं हमने बपतिस्मा नहीं लिया। मेरे शिशु, उन्होंने मेरे कहा कि आप ईमान में नहीं आए, आप ईमान में नहीं आए। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया तो मैं ईमान में आया। प्लीज गॉड, जी भाई आगे बढ़े थोड़ा। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, ये हमारी बेस है इंसान की जिंदगी की, दो चीजें हैं, पहली बेस है, बुनियाद है, और दूसरा ट्रैक है, ट्रैक पर हमने चलना है, और बेस हमारी बुनियाद है। जो हमारी बुनियाद अगर खुदा यीशु मसीह नहीं है तो हम खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। प्रेज गॉड। जी दूसरा, निकोदिमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दूसरा सवाल निकोदिमस ने किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे सवाल के जवाब में क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यस, या यीशु ने सच नहीं कभी बोला? हमेशा सच बोला खुदावंद यीशु मसीह ने, तो पहली मरतबा नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह ने जो भी बात की वो सच और बरहक है, वो लाल तब्दील है, वो अजल से अब तक कायम और दायम है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया?
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा तो लिया हुआ है, वो खुदा की बादशाही को देख तो सकते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा की बादशाही में आदमी उस वक्त दाखिल हो सकता है जब उसे रूह कुदस का बपतिस्मा होगा, रूह का बपतिस्मा होगा, होली स्पिरिट मिलेगा, खुदा का बाथरूम मिलेगा। प्रेज़ गॉड, उस वक्त वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। सबसे पहला और बड़ा फायदा यही है, अगर हम खुदा की बादशाही को देखना नहीं चाहते तो मेरे अजीजो हम बपतिस्मा नहीं, अगर देखना चाहते हैं तो बपतिस्मा लेना अशद जरूरी है, पानी का बपतिस्मा। अगर खुदा की बादशाही में पानी का बपतिस्मा लेकर हम सो चुके हैं, हम जाग नहीं रहे, हम खुदा के पात्रों को पढ़ नहीं रहे, खुदा के घर मांग नहीं रहे, तो मेरे अजीजो हमें रूह का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, जब रूह का बपतिस्मा मिलेगा तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। प्रेज गॉड, इसीलिए मेरे शिशो खुदावंद के सिद्धा मुकद्दस जलाली पाकरा में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 11-12 आयत में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबाही उसने फरमाया, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 11-12 आयत, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। उसने फरमाया, क्या फरमाया यूहन्ना इस्तबाही ने, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को खून साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खिते में जमा करेगा और भूसी को आग में जलाएगा जो बिजली। उसने वही उसने इकरार किया, उसने इनकार नहीं किया। यूहन्ना इस्तबाही ने क्या कहा, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम तौबा करते हैं, तौबा को कबूल करते हैं, कहे खुदा मैं तौबा करता हूं, मैं तेरे हुक्म को मानता हूं। उसने फरमाया, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। जी मेरी बहन, जब खुदा का पाकलाम होता हो, खुदा के पाकलाम को सुनी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, सदा खुश रहे, आबाद रहे, मेरी दुआएं आपके साथ है। खुदा के पाकलाम को सुनिए बड़े गौर के साथ, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस आग से बपतिस्मा देगा। वो कौन देगा, कोई पास्टर कोई खुदा का खादम बपतिस्मा रूह कुदस का नहीं दे सकता, लेकिन हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हम आपके नौकर हैं, आपके खादम हैं, खुदावंद ने हमें चुना हुआ है, इसलिए कि हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, इंतजार करें, फरियाद करें, कहें खुदा मेरी कलीसिया को मेरे लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे, इस लायक बना कि ये तेरे पाक रूह को हासिल कर सके। हम दुआ कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हम आपके नौकर हैं, आपके खादम हैं, आपके गुलाम हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि खुदावंद मेरी कलीसिया को इस लायक बना, मेरे लोगों का सिलाय बना, ताकि तेरे पाक रूह को हासिल कर सके। पाक रूह को आपने हासिल करना है, हमने आपको पाक रूह नहीं देना, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, खुदा मेरे लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि इब्लीस का मुकाबला करते हुए इब्लीस को शिकस्त दे और खुदा तेरे पाक रूह को हासिल कर सके। आगे दूसरा पॉइंट क्या है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे जोर अवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह को दसराग से बपतिस्मा देगा, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खिते में जमा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की। खलिहान क्या है जी मेरे भाइयों, दुनिया है। वो खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा, वो हिसाब करेगा दुनिया का। प्रेज़ गॉड, वो
वो साफ करेगा, अदालत करेगा, वो क्या करेगा, जो बुरे लोग होंगे वो किधर जाएंगे, आग में जाएंगे। खुशी बुरे लोग जो खुदा से दूर है, जो खुदा के हुक्म को मानते नहीं, जो जिन्होंने खुदा के साथ अदावत रखी हुई है, उनको क्या करेगा, आग में जाएगा। और जो उसके लोग होंगे, उसके फरमान बरदार होंगे, उसके काम पर अमल करते होंगे, उनको क्या करेगा, अपनी बात शरीफ दिला। क्या चाहिए मेरे भाइयों आपको, मेरी बहनों, क्या चाहिए? रूह और आग का बपतिस्मा। रूह और आग का बपतिस्मा। और उसके बाद क्या चाहिए, आग चाहिए या खुदा की बात शरीफ चाहिए? खुदा की बात चाहिए मेरे चीजों। कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई ये नहीं कहेगा कि मुझे आग चाहिए। आग से हम कितना डरते हैं। तो जब हम इस फानी दुनिया से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर हमने अच्छे ईमान नहीं किए होंगे तो हम आग में ही जाएंगे। प्रेज़ गॉड। इसीलिए मेरे चीजों खुदावंद यीशु मसीह ने अरशाद आज़म, आज दुनिया क्या है, खुदा के कलाम को मानती नहीं है, खुदा के कलाम को समझते नहीं है, समझते मजाक है खुदा का पाक कलाम। खुदा का कलाम तो कुछ भी नहीं, हम बहुत बड़े हैं मेरे जीवो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अरशाद आज़म में फरमाया, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका आखिर बाब उसकी आखिरी पांच आयत में यूं लिखा, सुनिए बड़े गौर के साथ, क्या करिए जी, जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनका बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सबको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये किसने बनवाया? यीशु ने। यीशु को हम क्या बोलते हैं? यीशु हमारा निजात है, यीशु हमारी बुनियाद है, यीशु हमारी भेस है। तो जब अमल करने की बारी आती है तो हम किधर चले जाते हैं? हम उधर चले जाते हैं। नहीं नहीं कोई बात मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ी गौर तलब बात है, बड़ा गौर तलब कलाम है। प्रेज़ गॉड। याद रखें, 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, उन्होंने उसे देखकर सजदा किया मगर बाज ने शक किया। आज भी बहुत दुनिया में लोग हैं जो शक में मुब्तला है, जो शक में पड़े हुए हैं और बपतिस्मा नहीं लेते। अगर वो बपतिस्मा नहीं लेते तो खुदा के रूह को हासिल नहीं कर सकते। जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेता उसको रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का पाक कलाम कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी फरमा रहे हैं। क्या करेंगे, कैसे खुदावंद उनके साथ रहेगा? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने क्या फरमाया, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, उन्होंने उसे देखकर सजदा किया मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, कितना इख्तियार, कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, किसी और को दिया गया है नहीं, मुझे दिया गया है। पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सबको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो उसकी बात को मानेगा, उसके कलाम को फॉलो करेगा, उसके कलाम पर अमल करेगा, खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसके साथ रहेगा। ये उसका वादा है, उसके वादे अटल हैं। उसने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। आज मेरे जीजों हमने सोचना है, देखना है, परखना है। आज देखिए मेरे खुदा का पाकलाम जो है वो सच और बरहक है। अगर आपको रूह कुदस चाहिए तो रूह कुदस हासिल करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अगर बपतिस्मा नहीं लेना है तो आप खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते, दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है, आप देख भी नहीं सकते। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपने दिल को पाक करना पड़ेगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को
देखेंगे गंदा दे देख सकता नहीं देख सकता मेरे शिशो तेरे को पार करना अष्ट जरूरी है प्लीज गॉड और मेरे शिशो खुदावंत के पाकलम ने क्या लिखा था यीशु सिराज ने फरमाया जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत की जाए मुझसे दुश्मनी नहीं की जाए या आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने दुश्मनी रखी है या मोहब्बत रखी ये मेरा कसूर नहीं है हमने खुदा का पात्र हम आपको बता देना है कंट्रोल कर क्या आपकी दुश्मनी है या मोहब्बत है आज मैं पूरे चर्च में अपनी क्लीसिया से पूछूंगा किसी की खुदा के साथ दुश्मनी है जी मैं बताएगा मेरी दुश्मनी है जी मेरी बहन कोई बता सकता है कि मेरी दुश्मनी है खुदा से कोई भी नहीं बोलेगा कोई भी नहीं बोलेगा बोलेगा नहीं 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 मेरी तो खुदा से साथ खुदा के साथ बहुत मोहब्बत है लेकिन देखिए आज गौर कीजिए जाने में अनजाने में खुदा का पाकलाम मैं बताऊंगा और अगर आपने करना है प्रेस गॉड मेरे सीधो खुदावंत के जिंदा और मुकद्दस चाली पाकलाम में खुरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 6 आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है खुरूज 20 बाब खुरूज 20 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 6 आयत तक कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर या नीचे जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है ना उसके आगे सजदा करना ना उसकी इबादत करना क्योंकि मैं खुदावंत तेरा गयूर खुदा हूँ जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुस्तक देता हूँ दादा का जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता रहम किन पर होता है जो हुक्म मानते हैं जो हुक्म तोड़ देते हैं उन पर रहम होता जिन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ा हुआ है उनको रूह कुदस नहीं मिलेगा वो सुबह से लेकर शाम तक शाम से लेकर अगली दोपहर तक एक टांग पे प्रश्न शुरुआत करते रहे खुदा कभी भी कबूल नहीं करेगा क्योंकि उनकी बेस खुदा के कलाम पर नहीं है खुदा पर उसकी बेस नहीं है क्या लिखा है मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना तो अपने लिए गैर मबूद दिया गैर मबूद 116 गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का काम आज बहुत मसीह लोग हैं जो आपको मसीह कहते हैं वो गैर मबूदों के पीछे भाग रहे हैं बीमारियों में मुबतला है दुखों में मुबतला है अदीस में उनका झगड़ा हुआ है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का काम बढ़ जाएगा गहरा दे नल बन दे बोल करार हुन जेड़े ओना दे तू सदा बदल के बसेरे बड़ा चीज इस तरह का उनके दुख कम नहीं होगा क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया खुदा के कलाम से पीछे हट चुके हैं प्रेज गॉड हालेलुया ईसा को क्या मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना वो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना क्योंकि मैं खुदा तेरा गयूर खुदा हूँ मैं गैरतमंद खुदा हूँ खुदा कहता है मैं खुदावंत तेरा गयूर खुदा हूँ जो मुझसे अदावत रखते हैं जो मुझसे दुश्मनी रखते हैं उनकी औलाद को बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुस्तक देता हूँ बाजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मेरे हुक्मों को मानते हैं देखिए गौर कीजिए अगर आपके खानदान में आपके रिश्तेदारों में आपके बहनों भाइयों में कोई भी आदमी जो है जिसने खुदा के साथ अदावत रखी है उसको साफ लफ्जों में बोलिए आपने तो खुदा से अदावत रखी उनकी औलाद को बाप दादा की बदकारी की सदा तीसरी और चौथी पुस्तक पुस्तक चौथी पुस्तक
लेकिन हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते अगर वो छोड़कर खुदा से मोहब्बत करें आज ही इकरार करें तो खुदा उनको माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इकरार में मुकद्दस में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। माफ करने के लिए तैयार है, इकरार करना पड़ेगा, खुदा से माफी मांगनी पड़ेगी, खुदा से इकरार करना पड़ेगा, अरे खुदा मैं इतनी उम्र में मूर्ति की पूजा करता रहा, मैं तुझसे दूर रहा, मैं गुनाह में मुब्तला रहा, अरे खुदा मुझे माफ, मैं इकरार करता हूं, खुदा माफ करने के लिए तैयार है। प्रेज गॉड। आज मेरे अजीजों हमने सोचना है, गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, खुदा चाहता है मुझ जैसे मेरे साथ बनती है, मेरे साथ दुश्मनी ना रखी जाए। इंसान इंसान से दुश्मनी रखता है तो खुदा उसका फैसला करता है, और जो खुदा के साथ दुश्मनी रखता है उसका क्या, उसको खुदा फिर भी माफ करता है, इंसान नहीं माफ करता, इंसान बहुत दूर जाके माफ करता है, लेकिन खुदा फिर भी कहता है सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहती। मेरे अजीजों आज वक्त है, आज हम जिंदा हैं, हमारे नथनों में जिंदगी का दम है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। कौन देख सकता है, जो पाक दिल, पाक दिल। पहला पॉइंट क्या है, ये बुनियाद या हमारी बुनियाद खुदा यीशु मसीह नासरी पर है। दूसरा पॉइंट क्या है, खुदा यीशु मसीह नासरी ने फरमाया मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो मुझको देखेंगे। खुदा यीशु मसीह नासरी दूसरा आदमी नहीं देख सकता, गंदगी है दिल में तो खुदा कभी भी नहीं देखाएगा अपना। याद रखे मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए इब्रानियों के खत में, इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 3 बार उसकी 7 आए, इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 3 बार और उसकी 7 आए जी पढ़िए। बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। क्या कहता है खुदा का बंदा, बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज नहीं है, मेरे खुदा उनकी आवाज है, मेरे यीशु मसीह की आवाज है, मैं उसका गुलाम हूँ, उसका नौकर हूँ, उसके बस आपका भी नौकर हूँ। आज कितने लोग खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, प्रेज गॉड, एक भी नहीं गरीब खुदा की आवाज को सुन रहा, तो बहुत देर से सुन रही है, उठते होगी हमें खुदा का पाक कलाम सुनते हुए। हमें मुकद्दस में लिखा है अगर आज भी तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। प्रेज गॉड। दिल दो किस्म के हैं मेरे भाइयों, एक दिल क्या है, सख्त दिल है, एक दिल क्या है, नरम दिल है। सख्त दिल में क्या है जी, सख्त दिल में कौन है, इब्लीस। सख्त दिल में इब्लीस। नरम दिल में कौन है, खुदा। खुदा है। प्रेज गॉड। आज मेरे अज़ीज़ों हमने देखना है अपने दिल को, रात को सोचें, अपने ऊपर एक कपड़ा लें और गहराई में जाएं, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपने दिल को चेक करें, क्या मेरा दिल सख्त तो नहीं है, क्या मेरी किसी से अदावत तो नहीं है, क्या मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। खुदावन को कौन सा दिल चाहिए जी, नरम दिल, नरम दिल। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलामे मुकद्दस में मुकद्दस यशायाह नबी का सही बाप उसका 66 बाप उसकी पहली 2 आयत में लिखा, यूं लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है, ये सुनिए, खुदावंद यूं फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पो की चौकी है, तुम तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम तो उसी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्या ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने नहीं बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम जाता है। आज कितनी देर से हम कलाम को सुनते रहते हैं, परखते नहीं कि हम किस जगह पर पहुंचे हुए हैं, जो खुदा के कलाम से काम जाता है। कलाम को किसको अपना रूल कुदस देगा, जो डरता है, डरते हैं प्रेज गॉड, फिर सुनिए, अमल करता है। खुदावंद यूं फरमाता है आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, खुदावंद को कैसा घर चाहिए। खुदावंद ईंटों के घरों में नहीं रहता, खुदावंद दिल में रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावंद दिल में रहता है, खुदावंद की हम प्रस्तुति करते हैं, इधर इबादत करते हैं, खुदावंद आता है, हमारी आवाज को सुनता है, हमारी इल्तिजा को सुनता है, ये खुदावंद का घर है। लेकिन खुदावंद इंसान का दिल जो है उसमें रहता है,
इंसान के मस्कर के दिल में रहता है, इंसान के मस्कर में रहता है। खुदावंद यूं फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। जिसका तख्त क्या है, आसमान हो और पांव की चौकी जमीन हो, उसको किस चीज की जरूरत है? चीज जरूरत है खुदावंद को दिल चाहिए, फिर भी खुदावंद इंसान का दिल बनाता है। खुदावंद यूं फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम उसी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद है। खुदावंद फरमाता है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम जाता है, उसको मैं अपना रूह कुदस दूंगा, जिसका दिल क्या है, नरम है, जिसका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। मोम एक खूबी है, सबसे ज्यादा जल्दी मोम पिघलता है। तो जो पत्थर है वो पिघलता है, पत्थर भी पिघलता है खुदा के कलाम से। इसलिए खुदा का बंदा एक बनवाता है, और अरे खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो हमारा पत्थर दिल भी मोम बन जाएगा। ये कलाम में खूबी खुदा का कलाम जो है वो हमें मोम बना सकता है, जो अगर हम खुदा के कलाम पर बिशर्ते के अमल करें। प्रेज गॉड, अमल नहीं करेंगे तो मेरे चीजों कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, आज मेरे चीजों खुदावंद क्या चाहता है, खुदावंद चाहता है कि मुझे कैसे लोग चाहिए, कैसे दिल चाहिए जो नरम हो, जो मोम की तरह पिघल जाए। प्रेज गॉड, उनको मैं अपना पाक दू, उनको खुदा अपना रूह देना चाहता है, लेकिन दिल पाक होना चाहिए। मुबारक है वो जो पाक है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आज वक्त है, आज हम जिंदा है, हमारे नथरों में जिंदगी का काम है, हम जीती जा रहे हैं। जब इस पानी दुनिया से चले जाएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। तेजगार, इसलिए खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब उसकी 6-7 आयत में यूं लिखा है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब उसकी 6-7 आयत में यूं लिखा है, जब तक खुदावंद बेच सकता है, सुनिए बड़े बोल, जब तक खुदावंद बेच सकता है उसके तालब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे तो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो माफ करने के लिए तैयार है। क्या खुदा का पाकलाम फरमाता है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब को चाहने वाले, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। खुदावंद किधर है, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। जब हम मांगेंगे खुदा से क्या मांगेंगे, क्यों नहीं देगा भाई, देगा नहीं देगा, 100% देगा, लेकिन हमारा करेक्टर, हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना खुदा के ग्राम के मुताबिक होना चाहिए। जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त करता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। निजात कौन है, खुदा यीशु मसीह है। उसको मिल सकता है जिसका चाल चलन अच्छा है, जिसका करेक्टर अच्छा है। खुदावंद हमारे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता है। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 19-21 आयत, मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 19-21 आयत। मैं जल्दी थोड़ा खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस 44 पाक कलाम में से मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 19-21 है, क्रमेंदस ने यूं लिखा है, बस को की पास देखो, बस सरगर्म हो, मैं सच्ची जिनको अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर, बस सरगर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ जो गालब आए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आज इस्लाम क्या फरमा रहा है,
देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मेरे शीशो तो दामन तुम्हारे दिलों के दरवाजों के बाहर खड़ा खटखटा रहा, हमारा इंतजार कर रहा है, हम खुदावंद के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोले ताकि खुदावंद का रूह हमारे दिलों में बसे और हमारी जिंदगियां तब्दील हो। यस सर, खुदावंद ये चाहता है, खुदावंद चाहता है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खुदावंद क्या कहता है? देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। ये नहीं आपको अपना बात क्यों देना चाहता है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि हम गालिब आए और उसके साथ उसके तख्त पर ये चाहता है। आज मेरे चीजों वक्त है, हम सिद्धा है, लेकिन मेरे चीजों एक शब्द है खुदावंद की, खुदावंद की रूह, खुदावंद का रूह पाक है तो पकीसगी में आना चाहता है, खुदावंद का रूह गंदगी में नहीं आना चाहता। ये याद रखें, अगर हमारा दिल पाक नहीं है तो मेरे चीजों खुदा का रूह कभी भी हमारे दिल के अंदर नहीं आएगा बल्कि बाहर ही रहेगा। अगर दिल पाक है तो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं, अब नहीं भी मांगेंगे तो खुदा का रूह ऑटोमेटिक आपके दिल में आएगा, खुदा आपको बहाल करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। अगर आपके अंदर बीमारी आ चुकी है, दुख आ चुका है, मुसीबत आ चुकी है, पुलिस ने आपको जकड़ लिया है, तो मेरे अजीजों आप इकरार करें कि खुदावंद का खुदावंद मुझे पाक का पाक है तो खुदा का रूह मिलेगा आपको 100% मिलेगा, क्योंकि ये खुदावंद का वादा है। खुदावंद चाहता है कि मेरी आवाज को सुने, मेरी इत्तेजा, मेरी खुदा चाहता है मेरी आवाज को सुने। इसका जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, सुनकर क्या करेंगे, अपने दिल के दरवाजे को खोल देंगे। काले दिल में नहीं खुदा आता, ये याद रखें, खुदा सफेद दिल में, जिसका दिल काला है उधर खुदा नहीं आएगा, उसमें गंदगी है। मेरे जी खुदावंद का रूह पाक है, वो पकीसगी में आना चाहता है, वो गंदगी में नहीं आना चाहता। आज याद रखे, अगर हम अपना दिल गंदा है तो उसको पाक करें, खुदा का पाक क्रम हमारे दिलों को पाक कर सकता है। प्रेस का कोई दूसरी चीज नहीं है, खुदा का पाक क्रम है, बेड ऑफ गार्ड है, खुदा का पाक क्रम है। यीशु मसीह का बुखारे पर ईमान रखे, उसकी सलीब पर ईमान रखे तो मेरे जीजो हमें पाक हो सकते हैं। जब पाक हो जाएंगे तो मेरे जीजों खुदा का पाक ऑटोमेटिक खुदा हमारे दिलों में आएगा। आज वक्त है, आज हम जिंदा है, हमारे मित्रों में जिंदगी का दम है, हम जीती जा रहे हैं। जब इस फानी दुनिया से चले जाएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। खुदा की सुनने की याद करवाया, बस सर गर्म हो, पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो सोना नहीं है, सर गर्म हो और क्या था तौबा का, खुदा से अपने गुनाह की माफी मांग, उन्हें बपतिस्मा दिया हुआ और खुदा से मांग के आए, खुदा मुझे अपना रूह अदा कर, तो खुदा रूह अदा करने के लिए तैयार है। इसका अभी वक्त है, अभी हम सिद्धा है, अब हमारे नथरों में जिंदगी का दम है। तो मेरे शिशो, क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, न वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं, आए खुदा जिंदा जिंदा ही तेरी सताइश करेगा जैसे आज के दिन में करता। मौत के बाद कोई तोहफा नहीं, मौत के बाद खत्म है, सब कुछ खत्म है। आज वक्त है, हमें सोचना जरूरी है, आज के इकराम के मुताबिक खुदा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदा खुश रहे, बाद में खुदा आपको बरकत दे और खुश आमीन।